आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगी सरकार का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा है। स्थिति यह है कि सीएम के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सभी धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर मानकों का पालन न करने पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लगातार हटाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र से चलकर लाउड स्पीकर विवाद अब यूपी में काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। लाउड स्पीकर पर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। बता दें कि यूपी में धार्मिक स्थलों पर अब 37,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों को उतारा जा चुका है। वहीं करीब 54,593 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर तय मानक के अनुसार तय कर दी गई है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर लाउड स्पीकर या तो हटवा दिया गया है अगर परिसर की आवाज़ बाहर जा रही थी, और अगर आवाज़ ज़्यादा है तो आवाज़ भी कम किया गया है। आप देख सकते हैं कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई थी सीएम द्वारा कि कितनी जगहों से लाउडस्पीकर को हटवाया गया है और कितनी जगहों पर लाउडस्पीकर अभी भी है, या फिर कितनी जगहों से लाउडस्पीकर का आवाज़ कम किया गया है। इसी कड़ी में जो रिपोर्ट है वो अभी तक दिया जा चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुका है। वहीं एसीएस सोम अवनीश अवस्थी ने कहा है कि अभी तक 1,00,000 जिसमें से 45,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, 58,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर की आवाज़ कम की गई है। आज रिपोर्ट आने के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, जहां अभी कोई कार्रवाई बची है वहां भी कार्रवाई होगी। तो ये आंकड़े जो है एसीएस सोम अवनीश अवस्थी द्वारा बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा कि 30 तारीख तक आंकड़े आ जाने चाहिए, रिपोर्ट आ गया है। उस मानक के अनुसार इतनी जगहों से इतने मात्रा में लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, इतनों की आवाज़ें कम की गई हैं। इसके बाद से अब रिपोर्ट आने में समीक्षा भी की जाएगी कि जहाँ जहाँ पर कार्रवाई बची है वहाँ पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, हर जगह पर चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ स्थल हो, उसे सारे मानक जो है उन्हें मानना होगा, मानकों का उपयोग करना होगा। और जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है, एक बार फिर से सभी धर्मों की एकता का मिसाल दिया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए, अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये कुछ अराजक तत्व ही है जो इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुसलमान धर्मगुरु हो, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। सबका यही कहना है कि चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, वो दिल की आवाज़ सुनते हैं, वो आत्मा में बसते हैं। लाउडस्पीकर से वो हमारी सिर्फ फरियाद नहीं सुनते हैं, वो हम उन्हें कितना ध्यान लगाते हैं, हम उन्हें दिल से कितना मानते हैं, हमारी फरियाद वो इससे सुनते हैं। अगर वही बात किया जाए तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से तो उस मुद्दे का कई लोगों ने स्वागत किया है, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। और आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी मुद्दे पर है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों जब बात एकता की आती है तो सभी सामने खड़े हो जाते हैं कि एकता होनी चाहिए, हिंदुस्तान में एकता होना चाहिए, हिंदुस्तान एकता का प्रतीक है। लेकिन अगर बात आती है किसी फैसले का स्वागत करने की तो कई लोग उसका स्वागत करते हैं, कई लोग नहीं करते। हालांकि ये सही भी है, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, जिसको जो सही लगे वो उसको माने, जिसको जो सही नहीं लगता है वो ना माने। लेकिन अगर बात आती है कि किसी चीज़ की वजह से दंगे फैल रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है, इंसानियत को ठेस पहुँच रहा है, तो लोग उस फैसले को मानते भी हैं। कई तस्वीरें जो कई जगह से सामने आई हैं वो ये भी दर्शाती हैं कि किस तरह से जो माहौल है वो खराब होता जा रहा था।
की आवाज सुनते हैं और हर किसी का यही कहना है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनते हैं, भगवान को किसी लाउड स्पीकर की या किसी मैदान या किसी परिसर की जरूरत नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेहमानों से आपकी पहचान करा दे, समाजवादी पार्टी से मयंक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देश बंधु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। मयंक यादव जी, आप तो काफी मुखर वक्ता है, बहुत खुलकर हर मुद्दे पर बात करते हैं और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एक साथ है वो एक मुद्दा बहुत ही, अगर बात किया जाए तो सॉफ्ट मुद्दा है, जनरली सॉफ्ट मुद्दा है। अगर बात किया जाए मयंक जी, तो अजान हनुमान चालीसा का विवाद तो योगी जी ने खत्म कर दिया है, उन्होंने सॉल्व कर दिया है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाकर जो एक लड़ाई था वो सॉल्व कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को मयंक जी? देखिए ये जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया, इस फैसले को मानने वाले मैं उन तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं और मंदिर के पुजारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के सरकार के इस फैसले को माना। और इस फैसले को मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लाउड स्पीकर होने से पहले भी अजान हुआ करती थी, हनुमान चालीसा हुआ करती थी, कोई विवाद नहीं होता था, और इनके आविष्कार होने के बाद भी कोई विवाद नहीं होता था। ये विवाद अभी जल्दी में पनपा है और शायद कहे कुछ महीनों का ही विवाद है। तो सरकार ने फैसला लिया कि वॉइस पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या हिंदुस्तान की है, उत्तर प्रदेश की है, वॉइस पॉल्यूशन से बचने के लिए भी एक, जहां तक मैं समझता हूँ सरकार का ये फैसला उस लिए भी अच्छा है। लेकिन बात आती है अगर कि सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ही ले, भाई आदेश आप सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री कोई भी होता वो आदेश करता है, लेकिन सिर्फ योगी जी ने कद्दू में तीर मार दिया। अरे भाई योगी जी कद्दू में तीर तब क्यों नहीं मारते हैं जब लाइट की कटौती होती है? योगी जी का कद्दू में मारा हुआ तीर तब कहाँ जाता है जब उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता है? योगी जी का मारा हुआ कद्दू में तीर तब कहाँ जाता है जब सीजीआई कहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है ये न्यायपालिका का काम है ना कि विधायिका का? जी बिल्कुल। इन मुद्दों को दबाने के लिए भी ये, भाई आज की समस्या लाउड स्पीकर नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या है बिजली कटौती। जी मैं जी, हम आएंगे, हम इस पे आपसे बात करेंगे, मैं जी हम आप पे इससे बात करेंगे। इन्हीं मुद्दों को फिलहाल तो के लिए ये लाउड स्पीकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उछाला है और ये चाहते थे कि, लेकिन मैं जी अगर सरकार ने मुद्दा उछाला है तो उन्होंने क्यों खुद ये निर्देश दिया कि हर जगह से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, जहां भी परिसर से बाहर आवाज जा रहा है? हम इस पे बात करेंगे, आज मुद्दा यही है क्योंकि जिस तरह से कई जगहों से शांति की तस्वीरें सामने आई, लोग शांति से अलविदा का नवाज भी पढ़े हैं, अलविदा का नवाज जो उन्होंने अदा किया है, हम इस पे आएंगे। देश बंधु जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश बंधु जी, हनुमान चालीसा हो अजान हो, जो एक इसको लेकर के एक जो मुद्दा उठ रहा था, लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा फैसला लेते हुए और ये सभी को निर्देश दिया है, चाहे वो कोई भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, वहाँ से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, किस तरह से इस फैसलों को देखते हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है और ये एक ऐतिहासिक पल है जी। और मैं हिंदू भाई और मुसलमान भाई और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण 25 जनता को, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्यनाथ योगी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहता हूँ। देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा था और आपने देखा कि आज हर तरफ खुशी का माहौल है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू पंडितों के पुजारी हो, सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से इस कार्य में देखिए संलग्न हो गए। आज 30 अप्रैल है, अप्रैल का अंतिम दिन जो दिया गया था टारगेट, वो हमने लगभग, आपने अभी आंकड़े दिए उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। सभी ने देखिए ध्वनि प्रदूषण, और देखिए क्या हजारों वर्ष पहले जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होते थे,
तो क्या इबारत नहीं होती, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारा भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग सभी अपने धर्मों के आधार पर अपने इष्ट देव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि हम अनेकता में एकता पर विश्वास रखते हैं। और माननीय योगी जी को, उनकी पूरी टीम को, कैबिनेट मंत्री के पूरे समूह को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, शांतिपूर्वक सभी ने इसमें सहयोग दिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देखिए, सबको अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा करने का, इबादत करने का और अपने धार्मिक अनुष्ठान का उपयोग, लेकिन केवल प्रचार प्रसार। आप जानती हैं, अगर मैं साइंस की भाषा में बताऊं तो डेसिबल, एक मिनिमम डेसिबल होती है जो श्रवण आवृत्ति होती है, यानी कि जो श्रवण आवृत्ति से अगर अधिक आवृत्ति, आपको अगर छोटा सा एग्जांपल आपके दर्शकों को दूं, तो आपने कभी देखा होगा कभी पुल पर सेनाएं परेड नहीं करती, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए वो पुल गिर सकता है। इसी तरह मस्तिष्क की भी एक आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी लिमिट होती है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए इबादत करिए और सब लोग मनाएं। फिर अलविदा की नमाज पूरी हुई, उसी दिन में ईद होगी। हमारे मुस्लिम भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीयकार हुआ और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा कार्य है। और देखिए, आपने बिना साथ और बिना आराधना, और आप सही बात अभी विपक्ष की बात करें, देखिए इनके पास अब कुछ रह नहीं गए, हताशा निराशा और उत्साह, ये हर एक अच्छे कार्यों का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देशबंधु जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे एक में और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रीतपाल सलूजो जी आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर से जुड़े हैं आप हमारे साथ। प्रीतपाल जी, अजान हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद था उस पर मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला दिया है। मानकों के अनुसार ही अब लाउडस्पीकर से आवाजें आएंगी और जो लाउडस्पीकर मानकों के अनुसार नहीं है उन्हें हटा दिया जाएगा। किस तरह से आप उस फैसले को देखते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी निर्णय लिया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत वर्षों से मंशा थी कि जो लाउडस्पीकर की निर्धारित जो डिसेबल होता है 25 से 40 का, उसके अंदर ही बजना चाहिए। ये कोई अभी का नहीं है, वर्तमान में जो ये इसको निकाला गया है या इसको मार्केट में घुमाया जा रहा है लोगों को डराने के लिए या पता नहीं किस तरह का माहौल इस तरह पर खड़ा किया जा रहा है, हमारा ये मानना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह रखा है। इस पर डीजे के ऊपर भी एक क्राइटेरिया है, आपके गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में जहाँ पे लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी आवाज कितनी होनी चाहिए, कितनी डिसिबल होनी चाहिए, ये पहले से तय है। मगर इस समय ये जो समय नियत हुआ है, ये समय पे थोड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि वर्तमान में इस समय चूंकि ईद हमारे देश के जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार जो ईद है वो इस समय है और इस समय ही ये आया, ये थोड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मगर अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको सब जगह लागू कर दे रहे और एक समान लागू कर दे रहे, 2400 की आबादी के वो मुख्यमंत्री बन के दिखाना चाहते हैं, तो मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी पार्टी को। जी मयंक जी, अभी आपने कहा कि सिर्फ ये अभी फैलाया गया है, आपने ये बात कही, आपको ऐसा क्यों लगता है मयंक यादव कि अभी इन सब चीजों को हाइप किया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र से ये बवाल उठा था और किस तरह से लोग आपस में ही लड़ रहे थे इस मुद्दे को लेकर के? इसीलिए मैंने कहा ये मुद्दा जो अजान और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जो आपसी सामाजिक घोर निराशा का जो प्रतीक है, वो सामाजिक स्थितियों को बिगाड़ने के लिए ये मुद्दा अभी नया नया ही है। महाराष्ट्र से आया, मध्य प्रदेश से आया, राजस्थान से आया, ठीक, ये अभी कुछ नया ही मुद्दा है। पुराना देखिए, पहले एकाध मामले हो जाया करते, दिल्ली में आपने देखिए, दिल्ली का जो दंगा था जहांगीरपुरी का, वो भी इसी का नए मुद्दे। देखिए, लाउड स्पीकर का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन हाँ इतने पहले से भी नहीं हो रहा है कि जब अजान और हनुमान चालीसा पहले बिना लाउड स्पीकर के भी होते थे, फिर लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ तब उससे होने लगे। ये कि ये लाउड स्पीकर का प्रयोग
धार्मिक प्रचार के लिए किया जाता है कि हाँ हमारे धर्म का जो हमारे भजन कीर्तन हो रहे हैं वो दूर तक लोगों को सुनाई दे, हम अजान कर रहे हैं तो वो दूर लोगों तक सुनाई दे। लेकिन इसका एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय प्रीतपाल जी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2018 में आया था, तो सरकार उसका पालन कर रही है और उससे भी सरकार से भी ज्यादा पालन धर्मगुरु और मंदिर के पुजारी कर रहे हैं। तो देखिए ये एक खूबसूरती है हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे लखनऊ की, कि लोग खुद ब खुद इन चीजों को मान लेते हैं। तो इसमें सब कुछ उठा के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कद्दू में तीर मार दिया, ये भी कहना उचित नहीं है उतना ज्यादा। जी एक बार फिर एक बात बस मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और डीजे पर भी प्रतिबंध है, अगर आप कुछ एक जो 10 या 11 बजे का लगभग कुछ समय, उसके बाद आप नहीं चला सकते, ज्यादा आवाज भी नहीं चला सकते। अभी आपने कहा कि कोई कद्दू में तीर नहीं मारा, पहले तो सेंटेंस मयंक जी में नहीं समझ पाई। मैं एक बात बस आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपको याद है सपा सरकार में भी लाउडस्पीकर हटवाए गए थे, आपको याद होगा। आप काफी एक्टिव, मैं देखती रहती हूँ आपके ट्विटर पर, आप काफी एक्टिव कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी में भी लाउडस्पीकर हटवाया गया होगा मयंक जी, याद है आपको? लेकिन सिर्फ मंदिरों से हटवाए गए थे मयंक जी, याद है आपको? ये तो आपके पास जितनी रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर जी मैंने कहा, मैं आपके ट्विटर पे देखती हूँ काफी आप एक्टिव कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, इसका जवाब क्या है आपके पास? लेकिन जो इस बार मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिस तरह से उन्होंने हर किसी को इक्वल निर्देश दिए हैं, बराबर निर्देश दिए हैं कि हर जगह अखिलेश यादव जी ने सिर्फ मंदिरों से हटाने के लिए अखिलेश यादव जी ने भी नहीं कहा था, अगर ये कहीं पर हो तो आप हमें दिखा सकते हैं। मैं जी बिल्कुल, अभी आप अपना एक बार गूगल खोल लेते हैं कितने बवाले हुए थे। फिलहाल मेरे पास मेरा फोन इस वक्त नहीं मौजूद है, मैं आपको बिल्कुल दूंगी। समाजवादी पार्टी में भी हटवाए गए थे लेकिन सिर्फ मंदिरों से हटवाए गए थे। न्यायालय का आदेश अखिलेश यादव जी ने पालन किया तो न्यायालय ने, ये तो कहा नहीं होगी सिर्फ मंदिरों के हटाइए, जब न्यायालय ने कहा होगा भाई आप, न्यायालय की बात नहीं हो रही है, न्यायालय की बात नहीं हो रही है। अभी आपने कहा ना कद्दू में तीर मारा, मैंने उस पर आपको जवाब दिया कि ये जो लाउडस्पीकर हटवाए गए थे ना, ये सिर्फ अभी देखिए इक्वल डिसीजन आया है, एकता का प्रमाण दिया जा रहा है, भले से जो भी चल रहा हो लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि एकता हो। जिस तरह अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा किया गया है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर बात देखिए आप इस बात का जवाब दे हमें कि जब आप समाजवादी पार्टी ने जब हटवाए थे सिर्फ मंदिरों से लाउडस्पीकर, क्या जवाब है? देश बंधु जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? एकता बनाने का, अगर समाज में एकता बनी रहे उसका सबसे बड़ा कारण समाज के लोग ही होते हैं, समाज के लोगों से ही एकता बनती है। आपने देखा होगा ये वही पार्टी है, निरीह कार सेवकों पर इन्होंने गोली चला दी, नफरत और जातिवाद की अभी चुनाव में, अभी देखे एक महीने पहले इतनी पूरी तरह जनता जनार्दन ने इनको पराजित करके, इनको चिंता और चिंतन में फर्क नहीं आता, और भाषा की मर्यादा और नफरत की राजनीति तो इनकी बुनियादी जरूरत है, इसी पे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले की, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और संपूर्ण देश जो है तारीफ कर रहा है, आप बताइए इनकी सरकारों में जहाँ जगह जगह दंदे होते थे, धार्मिक उन्माद होते थे, नफरत की राजनीति फैला के आज ये धरातल के न अर्श बची न फर्श बची, और यही भाषा की शब्दावली है कि आपने देखा अभी विगत चुनाव में इन्होंने जो गंदी भाषा का शब्दावली का उपयोग किया, जनता जनार्दन ने इनको हार का मुंह दिखाया कि आप 5 साल चिंतन करिए और ये आप सोचिए कि आपकी क्या गलती हुई। हमारा भारतवर्ष जी का हर एक नागरिक सबसे पहले भारतवासी है। देखिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद सारी तो इन्होंने अपनी गोटियां षड्यंत्र कर लिया, अब कुछ मिला नहीं है और हर बात का विरोध है। अभी मैं आपको, केंद्र में एक सरकार थी आप भी जानती होंगी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और श्री राम के अस्तित्व पे इनकार कर दिया। ये विपक्ष हैं, हमारे समाजवादी मित्र के बड़े नेता हैं, इनको शायद जानकारी नहीं हो, याद दिलाना चाहते हैं, रोज टीवी चैनलों पे आकर पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट का नहीं बताएंगे। आज देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आपको बता दें ये छद्म जो राजनीति होती है कि किसी भी चीज को दुष्टा दुष्टा, आपको कहते हैं ना दुष्ट आदमी सत्य साध्य समाचार, दुष्ट आदमी हर बात को दुष्टता सर, उसको हर बात उसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर चोर से कहिए कि आप चोर हैं तो कहेगा साहब मैं चोर नहीं, दुष्ट के साथ दुष्टता के। आप बताइए हजारों वर्ष पहले मैंने बोला था
और मैं अपने समाजवादी मित्र को बता दूं, देखिए एक सेंसिटिविटी होती है, अगर मैं आपके कान में आऊं और कस के चिल्लाऊं तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, वहां ना अल्लाह बचाने आएंगे ना ईश्वर बचाने आएंगे। लेकिन आप इसको साइंस से जोड़ के देखिए, आप इसको धार्मिक उन्माद की जगह वैमनस्य और नफरत की राजनीति ना देखिए। हम बात जब करते हैं एकता की तो ये बात टुकड़े टुकड़े गैंग की कर देते हैं, हम घटना की बात करते हैं तो ये जिन्ना उठा लाते हैं। अब कब तक ये नफरत की राजनीति करेंगे? इतनी बुरी तरह हारने के बाद, दो दो बार चुनाव हारने के बाद इनको समीक्षा करनी चाहिए। और आपको बता दें, हमारा उत्तर प्रदेश गंगा यमुना जमनी तहजीब का देश है। या पहले इबादत नहीं होती थी, या पहले गुरुद्वारे में मत्थे नहीं टेकते थे, आज भी हम हिंदू भाई मुसलमान भाई के घर ईद मनाने जाते हैं, दीपावली पर वो हमारे घर आते हैं, सिख भाइयों के त्योहार में हम जाते हैं। अभी देखिए पंजाब में प्रधानमंत्री खुद गए थे तो सभी यहाँ सभी सम्मान सभी व्यक्तिगत। देखिए एक गुलदस्ता होता है, उसमें सभी फूल जो होते हैं उस गुलदस्ता की शोभा बढ़ाने। इसी तरह भारत में अनेक जातियां हैं, वो भारतवर्ष को विश्व गुरु। देखिए सैव कुटुंबकम, हमारा भारतवर्ष एक परिवार है और परिवार में अब बताइए इनके यहाँ परिवार की बात कर लीजिए, परिवार में ही कोई संतुष्ट नहीं है, जो आदमी परिवार नहीं संभाल पा रहा वो प्रदेश की बात करता है। अब आप बताइए, आप भी जानती हैं कि नफरत की जो शब्दावली ठीक है देशबंधु जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूं। मेरी एक बात सुनिए, बीजेपी मेरठ से आपके बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने ईद के दिन जागरण कराने की बात कही, ये अनुशासनहीनता नहीं है? इस तरह की एकता का मिसाल देंगे, इस तरह से बातें की जाएगी, आप बताइए ये अनुशासनहीनता है या नहीं? ईद के दिन आप जागरण कराने की बात कह रहे हैं, अनुशासनहीनता है या नहीं देशबंधु जी? नहीं देखिए मैं भी ईद के दिन जागरण कराने की बात नहीं, मिसाल देना नहीं, बहुत अच्छी बात है हिंदू मुसलमान एकता का, बट किसी धर्म को कभी भी इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं मैं भी हिंदू हूँ, मेरे भी बहुत सारे साथी मुस्लिम हैं, क्या होली में वो मुझे रंग नहीं लगाते? कहाँ लिखा है होली में रंग लगाने से आप कनेक्ट नहीं करें? होली में देखिए जब समाजवादी पार्टी ने रमजान, सुनिए जब समाजवादी पार्टी ने रमजान के दौरान मंदिरों से स्पीकर हटवाया था तो हमने उस फैसले का भी विरोध किया था, ठीक है देशबंधु जी? और आज हम इस फैसले का भी विरोध करेंगे कि आपके ही बीजेपी के जो नेता है अगर वो मुसलमान है तो ईद के दिन वो जागरण करा के इस तरह के हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। मयंक यादव, देखिए मैं किसी के जिस बारे में मैंने सुना नहीं, जिस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं, दिक्कत है देशबंधु जी, इतना बड़ा मुद्दा हो गया आपने इसको नहीं देखा, ईमानदारी से बताऊंगा। और ये आपको भी, ये तो आप इस बात से मीडिया भी अवगत होगा कि ध्वनि प्रदूषण आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे होंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण हाई वैल्यू कारण जब परीक्षा का अवसर आता है और शादी ब्याह में, चाहे वो डीजे की आवाज इको सिस्टम को कम करना हो, चाहे लाउड स्पीकरों की आवाज। देखिए इबादत एक आस्था का, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, और इबादत देखिए हम मानते हैं ईश्वर है, मुसलमान भाई बातें अल्लाह है, लेकिन उसको जताने के लिए कहीं चीख चिल्ला कर लाउड स्पीकर पर आप 100 डेसिबल से 1000 डेसिबल तक आवाज कर दें और जिससे अड़ोस पड़ोस के लोगों को डिस्टरबेंस हो, कोई कार्य बाधा पड़े। बिल्कुल देशबंधु जी, इस फैसले का स्वागत हर किसी ने किया है, बेहद ही एकता का मिसाल दिया गया है। मैं बात अगर उत्तर प्रदेश की करूँ तो जिस तरह से सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने इस फैसले का इज्जत किया, इस फैसले का स्वागत किया, एक मिसाल दिया गया है। प्रीतपाल सिंह, जिस तरह से मेरठ से एक घटना सामने आई है कि एक बीजेपी के मुसलमान नेता है उन्होंने ईद के दिन जागरण कराने की बात कही, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई दंगा ना हो प्रदेश में, किसी तरह का किसी को किसी की भी जाति को ठेस ना पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया, किस तरह से देखते आप इसको? देखिए अभी कुछ दिन पहले अभी रामनवमी निकली है जी, रामनवमी के ऊपर देश कैसे जल रहा था, गुजरात जल रहा था, मध्य प्रदेश जल रहा था, महाराष्ट्र जल रहा था, उत्तर प्रदेश जल रहा था, दिल्ली जल रहा था, पंजाब जी, पंजाब में एक घटना आपको सुनने को मिली। ये सब सरकार की मंशा पे सब तय होता है, सरकार जो चाहेगी वो होगा। अगर सरकार चाहेगी कि वहां दंगे हो तो दंगे होंगे, अगर सरकार चाहेगी दंगे ना हो तो नहीं होंगे। एक पिक्चर का बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग है, अगर पुलिस चाह जाए तो किसी छोटे बच्चे का खिलौना भी कोई लेके नहीं भाग सकता। वो सत्य है
अगर पुलिस से आ जाए, सरकार की मंशा हो जाए, तो एक भी घटना नहीं हो सकती। संसद के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्री जी ने माना कि देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 से लेकर अभी तक 3400 बड़े दंगे हो चुके हैं। आप पंजाब की मंशा ले लीजिए, अभी ईद पंजाब में भी तो हो रही है, बजरंग बली जी का जन्मदिन वहां पे भी तो मनाया गया। अरे नाम किसका आ रहा है, नाम भी तो सुनिए किसका आ रहा है। नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो आपने कहा, तो आपने रूलिंग पार्टी की तारीफ करी, आपने कहा सरकार, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी जी, कि जो जो दंगा भड़काने का काम करेगा पंजाब के अंदर उसको सेक दिया जाएगा, कानून के तहत जेल में फेंक दिया जाएगा। सरकार की मंशा पे सब तय होता है। तुरंत वहां एसपी हटा दिए गए, आईजी हटा दिए गए, एसएसपी हटा दिया गया और तुरंत पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, उसके जो वहां के जो कार्यकारिणी इनकी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लोग थे, अकाली दल के नहीं। ये गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं, बस नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, और ये जो
झूठ और फरेब फैलाते हैं। आपके चैनल पे आके झूठ फरेब सुबह शाम फैलाते रहते हैं। आपको क्या आपको इस फैसले में क्या हर अच्छे कार्य इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रीतपाल जी, आप एकता की बात कर रहे हैं, आप एकता दिखा रहे हैं। देशबंधु जी, आप प्रीतपाल को बोलने तो दीजिए, आप उनको अपना पॉइंट रखने तो दीजिए। वो मेरे से सवाल कर रहे थे, आप लोग आपस में ही लड़ जा रहे हैं। किस तरह ये आप लोग एक बात बताइए, आप सब लोग प्रेजेंटेटर है ना एक पार्टी के, हिंसा होता है ना। ठीक है, मैं आपको एक घटना भी दिखा देती हूँ, कल की सहारनपुर में जो घटना हुई है, सुनिए। सीधा ऑर्डर था कि किसी भी खुले स्थान पर नमाज नहीं अदा किया जाएगा, लेकिन किया गया, बताइए। और इस मुद्दे को कौन सरकार तक पहुंचाएगा? इस तरह से चिल्ला के आप सभी पहुंचाएंगे, इस तरह से तो आप लोग मुझे भी नहीं बोलने देंगे। मयंक यादव, अपनी बात रखें। मैं आपने जो एक सवाल उठाया था अखिलेश यादव जी पर जी, कि उन्होंने सिर्फ मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाए थे जी, जी। तो आप इसका कोई वीडियो दिखा दीजिए। और दूसरा, जो अभी चर्चा चल रही थी प्रीतपाल जी और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तारीफ हो रही है मैडम, आप भी बहुत तारीफ कर रही हैं लाउड स्पीकर को लेकर, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। सुन लीजिए, आप पैनिक क्यों हो जाती है? सुन तो लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। फैसले की तारीफ कर रही हूँ जो लाउड स्पीकर को लेकर के किया गया था। और रही बात सवाल उठाने की, तो जो पार्टी गलत करेगी हम उस पे सवाल उठाएंगे। आप सुन तो लिया करिए, बोलिए। मैं भी आपकी, अरे भाई साहब आपने बोल लिया, बहुत देर से बोल रहे थे हम लोग, सुन रहे थे, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी देर शांत रहकर सुन लीजिए मैडम। अब इन्हीं को बोलने के तो आप भी देश का कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं। आपकी भी हैसियत नहीं कि दूसरे का कैरेक्टर आप बताएं। पहले आप अपने कैरेक्टर को देखिए। अयोध्या में आपकी पार्टी के सात गुंडों ने, आपकी पार्टी के सात गुंडों ने मस्जिद के सामने क्या क्या किया? मांस के टुकड़े फेंके, मांस के टुकड़े फेंके आपके, और जनता जनार्दन ने इसका जवाब दे दिया। और धर्मराज ने आइए भैया, पहले तो आप लोग एक एक करके बोले। मयंक यादव जी, देशबंधु जी, प्रीतपाल जी, हम मैं आप तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक एक करके अपनी बात रखें। मयंक आप अपनी, देशबंधु जी आप मयंक को अपनी बात रखने दें। मयंक जी आप अपनी बात रखें। देशबंधु जी आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, वो अपनी बात रख ले, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। मयंक जी अपनी बात रखें आप। मैं बहुत शालीनता से आपको और हमारे दोनों काबिल साथियों को सुन रहा था। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सुन लें, जवाब देने का मौका आपको भी मिलेगा, लेकिन बीच में इस तरह टपर टपर बोलने से आप अच्छे प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे। जी, मयंक जी अपनी बात रखें आप। भाई आप व्यक्तिगत, आप भी तो व्यक्तिगत में क्यों बोलने लगते हैं? निम्नता पे आ जाऊंगा ना तो सत्य साक्ष्यम समाचारित हो जाएगा। टपर टपर क्या बोलना मतलब होता है? इस शब्द का मतलब आप सत्य साक्ष्यम समाचारित, समाचारित का अर्थ आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है गूगल पे पढ़ लीजिएगा। आप लोग पर्सनल व्यंग करने के बजाय मुद्दे पे बात करें। देशबंधु जी, मयंक जी अपनी बात रखे। देशबंधु जी, देशबंधु जी, मयंक जी को अपनी बात रखने दे। आपने अपने सवाल उठा लिए, मयंक जी बात रखे, समाजवादी मात्र तथ्यों बात करें। देखिए भाषा वाली और मर्यादा होती है, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ रहे या तो देश के प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहे तीन मार दिया दूसरे का। समझू समझू
या ये टिप्पणी आसमी। देखिए ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है कि आप दूसरों के बीच में जब बोलने लगते हैं तो वही तो मैं बोला था ज्यादा नहीं लगती है, आपकी समझ अच्छी रहती है, इतना ज्ञान नहीं होता है। आप एक बार नीचे भी के समझ में ले जाओ, एवरी लाइन कैन बी क्लियर शुड बी मेंटेन इन दूसरे पार्टी के लोगों को क्यों बुलाते हैं आप लोग? नहीं नहीं को बुलवा लिया करिए, ये सुनने को तैयार नहीं है। देशबंधु जी आप ये देशबंधु जी मैं आपसे आग्रह करती हूँ प्लीज शांत हो जाए, आप प्लीज शांत हो जाए, मुद्दे पर बात करने दे, आप सभी को मौका मिला अपना मुद्दा रखने का, मयंक जी को अपना मुद्दा रखने दे, जवाब देने का मौका आपको पूरा मिलेगा, मैं आपसे कह रही हूँ। और कोई प्लीज एक दूसरे को पर्सनल ना जाए, कोई किसी से पर्सनल ना जाए, हम सभी इंसान हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम सभी एक हैं। मयंक जी अपनी बात रखें आप। जब तक तारीफ होती तब तक अच्छा लगता, आप आलोचनाएं भी सुन लीजिए, आपने हमारी आलोचना की हमें अच्छा लगा, आपने हमारी आलोचना की, अब जवाब लेने की बारी आपकी, जवाब ले लीजिए। मैंने निवेदन भी किया था आपसे तब भी आप नहीं समझे, अब आप जवाब दे लीजिए। अगर ये तारीफ हो रही थी भारतीय जनता पार्टी ने जो लाउड स्पीकर हटवाए, सबसे बड़ी तारीफ इसमें धर्म गुरुओं की होगी। और दूसरी बात, मैं जो बड़ा अच्छा लग रहा था कि दंगे नहीं हो रहे, ये जो अयोध्या में सात सत्ता का प्रश्रय प्राप्त तमंचे बाज गए थे मस्जिद के सामने मांस के टुकड़े फेंकने और धर्मग्रंथ की प्रतियां फेंकने के लिए, महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक, विजय, शत्रुघ्न, विमल, ये लोग कौन थे? इनको भाई ये इन लोगों को सत्ता का प्रश्न प्राप्त था ना, ये लोग वही लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी के घटक दल के लोग हैं, ये लोग सत्ताधारी पार्टी के घटक दल के लोग हैं मैम, ठीक है? आप तारीफ कर रही थी, आप अब इसके बारे में भी आप बता दीजिए। मयंक जी इन पे कार्रवाई चल रही है, आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। दंगा फैलाने आखिर कौन गया था? समाजवादी पार्टी का व्यक्ति गया था कि किसी अन्य दल का लोग गए थे? आप किस बात का? दूसरी बात जी बोलिए, बोलिए बात सुन लीजिए। और बोली। अभी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे माननीय प्रवक्ता महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बात आती है बिजली व्यवस्था की, सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं, कोई मुद्दा नहीं बन पाता है। इस लाउड स्पीकर से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये जो सात सत्ता का प्रश्न प्राप्त अपराधी थे, इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे को किस खूबसूरती से दबाया गया है ये भी देखने वाली बात है। मैं जिस मुद्दे को दबाया नहीं गया, इस पे कार्रवाई चल रही है, एक बार नहीं तो ये भी जानना जरूरी है ना कि ये लोग कौन थे, कहां से आए, इनको किसने भेजा, इसकी इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसका खुलासा जल्द हो जाएगा और हम इस मुद्दे पे बैठ के जरूर बात करेंगे, इस पे कार्रवाई चल रही है और इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, ठीक है? और बात अगर आती है कि लाउड स्पीकर पे, फिर मैं मुद्दे पे ही जी, मुद्दे से जुड़े बात, अब मैं बिल्कुल सिर्फ लाउड स्पीकर पर ही बोलता हूँ। लाउड स्पीकर हटाए गए अच्छी बात है, और वॉइस पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन न्यायालय के फैसले को किसी पार्टी के का फैसला बता देना भी गलत है। अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा उसको हम लोगों ने, भाई वो न्यायालय का फैसला था, और मीडिया भी इसी बात में बिल्कुल साथ में हो लेती है, हाँ ये तो सरकार का फैसला है, सरकार बहुत अच्छे से करवा रही है। देखिए जब समाजवादी सरकार में कोई भी फैसला न्यायालय का आता था, समाजवादी पार्टी जब उस फैसले का पालन करवाने उतरती थी, विपक्ष के लोग आकर वहां पर दंगा, लड़ाई, झगड़ा करना शुरू कर देते। यहाँ पर हम लोगों के पास भी मौका था, हम लोग भी इस पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, दंगे भड़कवा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं समाज के हित में जो चीजें हैं। मयंक जी आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? मयंक जी आप विपक्ष में हैं और विपक्ष एक अहम रोल निभाते हैं सरकार में, आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? आप मीडिया पे हमेशा सवाल उठा देते हैं मयंक जी, आपने कहा विपक्ष के साथ मीडिया हो लेती है। एक बात बताओ मयंक जी, तमाम मुद्दे आप इसी चर्चा में बैठे, जब हमने हमने सत्ताधारी पार्टी का भी विरोध किया जहां उसने गलत काम किया, आपने कहा आवाज, आवाज किसने उठाया ये मैटर करता है मयंक जी। अगर आप आवाज उठाए होते तो बिल्कुल हम आपको अप्रिशिएट करते, आवाज उठाना पड़ता, ये न्यायालय का फैसला, आवाज किसने उठाया, न्यायालय तक मुद्दा किसने पहुंचाया मयंक जी? ये पुराना मुद्दा, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा है मयंक जी।
ये न्यायालय का पुराना फैसला है, न्यायालय ने दोबारा इसको पालन करवाने के लिए सख्ती से आदेश दिया है और सरकार इस आदेश का पालन कर रही है। हम लोग सरकार के इस सरकार का जो आदेश हम लोग उसको भी मानना है, हम लोग उसको भी मानना है और इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसमें 2018 में आया, मेरी बात सुन लीजिए मैंग जी, 2018 में आया, अभी जो सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आपको भी ट्विटर पे मिली होंगी, उसपे अब क्या, उसपे आवाज कौन उठाएगा, न्यायालय तक उस मुद्दे को कौन लेकर के जाएगा, जो लेकर के जाएगा उसकी तारीफ करेंगे ना देश बंधु जी, जो इस मुद्दे को सहारनपुर का लेकर के जाएगा उसकी तारीफ होगी ना, उस पर कार्रवाई विपक्ष करेगा या सत्ता पक्ष के लोग करवाएंगे। आवाज तो उठाना होता है मयंक जी, आवाज तो उठाना होता है। हम लोग लगातार की बात हो रही थी, हम लोगों ने इस पर कतई नहीं कहा कि ये फैसला गलत है, हमने ये कहीं नहीं कहा कि ये फैसला गलत है, लेकिन इसकी तारीफ आपने आवाज उठाने की बात कही तो मैंने कहा, आप भी आवाज उठाइए, जैसे महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं आप, बिजली के खिलाफ उठा रहे, इसके खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं आप, सहारनपुर में जिस तरह से खुले जमीनों पर नमाज अदा किया गया उस पर आवाज उठाइए ना। उन्होंने बात कही, मयंक जी को बोल लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा देश बंधु जी, की गलत तथ्यों को बोलेंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना, आप क्यों गलत पर बोल रहे थे, लेकिन आपका समय था, हमने आपको बोलने दिया ना, फिर मैं डिबेट छोड़ के चला जाता हूँ। आप मयंक जी, देश बंधु जी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा है, देश बंधु किसी झूठ भी बोलते हैं, मयंक जी मीडिया का सहारा भी लेते हैं, मयंक जी झूठी प्रसिद्धि भी चाहते हैं और लास्ट में मयंक जी मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ जब तक बड़ा अच्छा लगता है, आलोचना हो रही तो सुन नहीं पा रहे हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की तारीफ मीडिया कर रही थी तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, अब आप सुन नहीं पा रहे, आपको मीठा मीठा दब दब कड़वा कड़वा छू छू चले जा रहे हैं ये बंधु जी, मीठा मीठा दब दब कड़वा कड़वा छू छू। अरे जब आलोचना हो रही है तो आलोचना की सुनने की क्षमता रखिए देश बंधु जी, जवाब दीजिए। जब आप एक सवाल कर देती है तो उसका जवाब पूरा नहीं लिया करिए, आप बीच में आप भी दूसरा क्वेश्चन ला देती है तो एक जवाब तो पूरा हो जाना चाहिए करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मयंक जी, देश बंधु जी, आप लोग को एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब, देश बंधु जी मेरी बात सुन ले आप, प्लीज आप मेरी बात सुने, देखिए आप लोगों के हर बात का जवाब मैं तभी दे पाऊंगी या फिर कोई भी तथ्य जो है मैं तभी रख पाऊंगी जब आप लोगों को सुन पाऊंगी, ठीक है। अभी एक सवाल मेरे से पूछो, एक एक करके बोलिए, कोई भी बात करनी है, अगर बैंक जी आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है आपको पूरा वक्त मिलेगा उस पे बोलने का, आप लोग एक एक करके बोलिए। फिलहाल आप लोग रुकिए, हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़े हैं, प्रीतपाल जी, जिनका भी व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पार्टी का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा जवाब ले लिया जाए आपके सवाल पर, आपने कहा सहारनपुर की घटना पर आप क्या कर रहे हैं, मैम वो गलत है और उस पर उस कृत्य पर कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे इस जवाब को लेने से पहले आपने एक नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया और देश बंधु जी देखिए जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब भी ले लिया करिए पूरा, हमें किसी के बीच में इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको कतई जरूरी नहीं समझता हूँ। आप जब दूसरे मेहमानों से सवाल पूछते हैं तो मैं कतई नहीं बोलता, और देखिए इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम जब भी किसी से सवाल पूछा जाए तो दूसरे के बीच में एक जवाब देने के बाद आप चुप हो जाइए, लेकिन आप लगातार उसको बढ़ाते जाएंगे तो ये भी गलत है। तो आपका जो सवाल था मेरा उसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल पालन किया जाएगा मयंक जी, आप सभी को इक्वल मौका दिया जाएगा बोलने का। हम प्रीतपाल जी के पास आना चाहेंगे, प्रीतपाल जी अपने सारे मुद्दों को सुना, जिस तरह से हम एक मुद्दे पर आज बात करने बैठे और हम आपस में ही लड़ जाते हैं, हम आपसे एक बात पूछे, सबने सवाल उठाने की बात हो रही थी अभी कि फैसला किसने किया, फैसला कोर्ट तभी करती है जब कोर्ट तक कोई मामला जाता है, और जो आवाज उठाता है कोई नॉर्मल सा मामला है, जिसने पीआईएल फाइल करी है वो लेके गया ना उस मुद्दे को, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, जो आवाज उठाएगा उसी को तो अप्रिशिएशन मिलेगी ना प्रीतपाल जी।
देखिए हमारे देश में अगर कोई चीज अभी बची है तो न्यायालय ही है। न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है उसका के ही हम आज सारी बातें जो है हम आज बैठकर जो साथ ले पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये न्यायालय के कारण ही ले पा रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट लगातार हर मामले में, चाहे एंटी जर्मियों का मामला आया, तभी माननीय हाईकोर्ट ने लगाम लगाई, इन्होंने जो जो चीजें लाने का प्रयास किया जो संविधान के खिलाफ थी, संविधान के इतर थी, उसको माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो लाउड स्पीकर का इतना हो हल्ला हो रहा है जी। और ये पता चला कि हजारों की संख्या में वो लाउड स्पीकर मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से उतारे गए जी, जी। क्या आज उनको पता चला कि न्यायालय की अवमानना हो रही है? न्यायालय ने तो ये बहुत पहले 2013 के आसपास ये न्यायालय ने ये जजमेंट दे दिया था कि लाउड स्पीकर की क्या आवाज सीमित होनी चाहिए और डीजे की आवाज क्या निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद आज इतने सालों बाद याद आया, तो इन जो इतने साल गुजर चुके हैं, इन सालों के बीच में जो अधिकारी, जो सरकार रही हो, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? जिनकी गलती के कारण इतने साल तक वो लाउड स्पीकर की आवाजें बढ़ती रही, जिसके कारण सामान्य नागरिक परेशान होता रहा, उसकी रात की नींद भी खराब होती रही, वो बीमारी से भी घिरता रहा, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? सबसे बड़ी बात यहाँ खड़ी होती है जी। ये समय सही नहीं था। मंशा आपकी हो सकता अच्छी हो, आपने अच्छी मंशा दिखाई, ये मंशा थोड़ी पहले दिखा देते। अभी रामनवमी निकली, अभी दिखा देते। बजरंगबली जी का जन्मदिन निकला था, तब निकाल लेते, तब लोगों को सवाल खड़ा करने का कोई मौका नहीं मिलता, आज हम लोग डिबेट पे भी ना बैठे होते। सरकार का काम है, सरकार 24 करोड़ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ लोगों की जो आबादी है उसके मुख्यमंत्री है। वो अकेले खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, दलितों के भी मुख्यमंत्री है, वो सभी के मुख्यमंत्री है। जहां जहां जिसको जो जो कमी दिखेगी, जिसकी जिसकी जो जो परेशानी खड़ी होगी, उसको उसको वो मिलेगा। अभी देशबंधु जी ये कह रहे थे जैसे राम राज आ गया, 2017 से पहले देश था ही नहीं, प्रदेश था ही नहीं, यहाँ पे तो मुगलों का राज रहा होगा या अंग्रेजों ने यहाँ राज कर रखा होगा। ये 2017 में आके इन्होंने फीता काट दिया, जो 52 साल तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फैला पाए। इनकी माँ है आरएसएस, वो यहाँ पे ये बातें करेंगे। 2017 के बाद देश आजाद हुआ है, 2017 के बाद लोगों का सांस लेना शुरू कर दिए। साहब ऐसा ऐसा माहौल मत क्रिएट कीजिए। 2017 के बाद आपके वहां पे बलात्कार भी हुए, आपके विधायक जो है उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी भी पाए गए हैं, आपके गृह राज्य मंत्री जो सेंट्रल में थे किसी समय चिन्मयानंद जी, उनके ऊपर भी बलात्कार का मुकदमा लगा था। आपके राज्य में भी सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, सैकड़ों दंगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो गोरखपुर गृह जनपद है, वहां पे बच्चों की एक ऑक्सीजन की कमी से या कारण बीमारी के कारण मौतें भी हुई है। वहां पे अभी हालिया में 3 कत्ल कर दिए गए गला रेत कर, प्रयागराज में गला रेत कर हत्या कर दी गई, हत्याएं नहीं हो रही क्या? क्या रामराज आ गया? देखिए आप बिल्कुल, अगर घटनाएं आ रही हैं तो उसको तबलीग, आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए ना। आप ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, दलितों के लिए अलग है, ऐसा क्यों? कानून सबके लिए है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का कानून है, बाबा साहब मैडम बाबा साहब अम्बेडकर जी का कानून हमारे देश में संविधान चलता है कि नहीं चलता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान के तहत सभी को अधिकार मिले हुए हैं कि वो पूजा कैसा करे, वो खाए क्या, वो पहने क्या, वो ओढ़े क्या। हाँ, कानून देश के खिलाफ अगर हो जाता है, जो भी धाराएं बनती हैं, अब उन धाराओं के साथ उनका मुकदमा करके उनको जेल में डालिए। मगर आप एक जाति विशेष को टारगेट कर इस तरह ये माहौल बनाएंगे, ये समझ में नहीं आता। आप किसी भी कानून की पालना करें, आपको कोई नहीं रोकता। विपक्ष का काम है, आप गलत करोगे तो खड़ा होगा बोलेगा, मगर समय पे जो समय है, जो समय निर्धारित किया वो गलत है, उस पर हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये सब जो आप कर रहे हैं, ये 24 करोड़ आबादी को नजर में रख के करें, एक जाति विशेष को नजर में रख के ना करें, जो लोगों को बुरा लगे या उनको लगे कि हम समाज से कटे हुए हैं या हमको डराया जा रहा है, ये चीज गलत। बिल्कुल बिल्कुल, देश बंधु जी प्रीतपाल जी का ये कहना है कि जो समय है, ये जो लाउड स्पीकर को लेके समय निर्धारित किया गया, ये समय गलत था, गलत समय पर स्पीकर हटाया गया, किस तरह से देखते हैं आप उसको? नहीं, ये बात बोलते हैं निराधार है। देखिए, अच्छे कार्य के लिए कोई समय नहीं होता, जब शुरुआत हो जाए तभी अच्छा होता, क्योंकि अच्छा कार्य जिस समय हो जाए वो कार्य अच्छा होता। अच्छे कार्य के लिए कोई समय नहीं। चुनाव में विजय हुई, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया, 5 साल जिम्मेदारी पूरी, और ये माननीय
मंत्री जी का बहुत है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपने देखा कि फैसले जगह जगह चाहे तो समाज हो चाहे सबसे समाज पूरी पूरी और रही बात अराजक तक इस प्रसन्नता इस खुशी के माहौल में सीख न डाल लेकिन वो कदापि और आपको बता हमारा गंगा यमुना तहजीब का एक मिला जुला सिस्टम है जहाँ हर जात समुदाय के लोग हैं जहाँ हिंदू की आस्था भी पूछी जाती है और मुस्लिम के अल्लाह को भी मानते हैं। तो देखिए यह केवल भ्रामक बात और ये जो लोग अराजक तत्व हैं और नफरत फैलाने वाले लोग ये मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और देखिए अब इस प्रकार के कुछ राज्य आएगी नहीं। अब जनता जनाब बहुत समझदार हो वो विकास की बात करना चाहती है वो रोजगार की बात करना चाहती है वो बिजली पानी की बात करना चाहती है। अब आप बताइए कोई जाति धर्म की नफरत की बातों में नहीं पड़ना चाहता आदमी अब जी बिल्कुल बिल्कुल देशबंधु जी हमने आपकी बात सुनी और समय की कमी होने के कारण हमें इस चर्चा को यही रोकना होगा। मयंक जी के फाइनल कमेंट 30 सेकंड का मैं आपसे चाहूंगी। मैडम जो सरकार का फैसला है हम सभी लोग इसको मानना है सभी धर्म गुरु मानना है लेकिन इसका सिर्फ क्रेडिट सरकार को ही नहीं जाता इसका क्रेडिट समाज के उस हर व्यक्ति को जाता है जो इन धर्मों से जुड़ा हुआ है। और दूसरा हमारा हमारे सवाल का जवाब देश बंधु जी नहीं दे पाए क्योंकि ये सवाल था इनके पार्टी के अगेंस्ट था। तो तारीफ अच्छी लगती है तारीफ सुनी जाती है लेकिन आलोचना भी सुननी चाहिए। अगली बार से मैं चाहूंगा देश बंधु जी अपनी आलोचना भी सुन पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीतपाल जी आप 30 सेकंड में अपनी बात रखे वक्त की कमी है हमारे पास। बिल्कुल मैं देश बंधु जी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का उनसे निवेदन करूंगा वो जो उन्होंने बातें कही लोगों को बिजली चाहिए पानी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए शिक्षा चाहिए जो हमारे युवा घर पे बैठे हैं जो डिग्रियां इतनी इतनी डिग्रियां लेके बैठे हैं उनको नौकरियां चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो योगी आदित्यनाथ जी जहाँ सीएम हमारे हैं उत्तर प्रदेश के वो इस ओर ध्यान दें कि लोगों को बिजली कैसे मिल सके लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले लोगों को अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिल सके अच्छी सड़कें कैसे मिले नौजवानों को नौकरियां कैसे मिले इस ओर ध्यान दें इस ओर दे के चले तभी हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। हमारे देश में किसी चीज के ऊपर कमी नहीं है मगर हमारे देश में नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। हम दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पे भी इच्छा शक्ति लाकर लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं मुफ्त बिजली मुफ्त पानी मुफ्त शिक्षा मुफ्त सेवाएं हम दे सकते हैं मगर आप देना चाहे तो अगर आप लड़ाना चाहेंगे तो फिर देश प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम इसी तरह चैनल पे बैठेंगे मैडम भी बोलेंगी मैम जी भी बैठ जाएंगे आप भी बैठ जाएंगे हम लोग 3-4 बातें करेंगे अपने अपने घर को चल देंगे। आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला आम आदमी का भला तब होगा उसको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलने लगे उसको सरसों का तेल सस्ता मिलने लगे उसको रिफाइंड तेल सस्ता मिलने लगे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगे। प्रीतपाल जी मैं एग्री करती हूँ कि जनता को अच्छी शिक्षा अच्छी सुरक्षा अच्छी व्यवस्था का हक है। एक फाइनल कॉमेंट देश बंधु जी मैं आपसे चाहूंगी 30 सेकंड का हमारे पास वक्त की कमी है। नहीं देखिए भारत भारत के लोकतंत्र पे हमें गर्व है हम भारतवासी इस पर गर्व है और सबको अच्छी शिक्षा मिले सबका अच्छा स्वास्थ्य मिले इस बात को लेकर हम संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश हित में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। देश सर्वोपरि है और देश का हित सर्वोपरि हो यहाँ सभी जाति समूह के लोग रहे और मैं यही कामना करता हूँ बिजली नहीं दे पाएंगे इनको ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जान दे सकते हैं बाकी लोग जान नहीं दे सकते बाकी लोग डरपोक है सबको देंगे बिजली। देखिए हमारे पास वक्त की कमी है और जहाँ तक रही बिजली का मुद्दा तो हम इस मुद्दे पर भी आपसे बात करेंगे। हम आपको बता दें कि जो हमारे नवनिर्वाचित मंत्री है एके शर्मा उन्होंने इस पे कई कदम भी उठाए हैं जाते जाते मैं आप लोग को ये बता दूं और हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से एक अहम फैसला लिया गया है कि
और एकता का सौहार्द दिया गया है, एकता का प्रतीक दिया गया है, सभी एक फैसला लेकर सब लोग इस फैसले से खुश हैं, सभी जात धर्म के गुरुओं ने इसका स्वागत भी किया है। आज की हमारी चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।